हेलो एवरीवन, दिस इज ऑल इन वन शुभम। और आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे, आप वैसे थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि चीपेस्ट 5 स्टार होटल। एक्चुअली इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और चीज़ बता रहा हूँ, शॉर्ट में वीडियो होने वाला है तो स्टार्ट से लेकर आखिरी तक आप लोग देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले वीडियो चालू करूँ इस टॉपिक पे, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आधे लोगों को ये नहीं पता कि 5 स्टार होटल होता क्या है। मतलब 5 स्टार बस नाम सुने कि कई लोग ये सोचते हैं कि जो बड़े होटल्स रहते हैं वो 5 स्टार होटल है, या फिर जो बड़े होटल रहते हैं वो 3 स्टार होटल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 स्टार होटल का अपना एक अलग वो रहता है, मतलब उसकी एक जो भी बोलते हैं कि हम लोग का रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो, उससे वो एक 5 स्टार होटल बनता है। और 3 स्टार होटल की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 स्टार बनता है। और नॉर्मल होटल्स तो आप जानते ही गाइस, नॉर्मल होटल जो अपने मतलब हर जगह लगभग देखने को मिल जाते हैं, और बड़े सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में 3 स्टार होटल्स भी ऑलमोस्ट होते ही हैं, बट 5 स्टार होटल बहुत कम होटल, मतलब बहुत कम सिटीज़ में 5 स्टार होते हैं गाइस। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बेसिक डिफरेंस बता दूँ। 5 स्टार नॉर्मल होटल का तो आप लोग जानते ही होंगे, तो मैं 5 स्टार और 3 स्टार का बेसिक डिफरेंस बता दूँ गाइस। होता क्या है, जो अपना 3 स्टार होटल की बात कर ले, दोनों एक काम करते हैं, अपन कंपेरेटिवली चलते हैं कंपेयर कर करके। तो पहले जैसे कि अपना जो 3 स्टार होटल रहता है, वो कह सकते हैं कि एक एवरेज पीपल इन द सेंस एक मिडिल क्लास पीपल के लिए लगभग 3 स्टार होटल रहता है। मिडिल क्लास इन द सेंस, ये मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा हूँ। जो जो मिडिल क्लास को रिक्वायरमेंट होते हैं कि या फिर जो भी वाईफाई वगैरह ये सब चीज़, वो 3 स्टार होटल्स में रहते हैं। और हम ये कह सकते हैं गाइस कि एक्चुअली मेन डिफरेंस बिटवीन 3 स्टार और 5 स्टार में ये रहता है कि 3 स्टार में लोग थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी रहते हैं, लेकिन 5 स्टार में बिल्कुल लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि 5 स्टार में आपको हर एक फैसिलिटी दिया जाता है और 3 स्टार में आपको कुछ कुछ फैसिलिटी नहीं दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा आज मैं 5 स्टार होटल में हूँ, कहाँ हूँ, कौन से में हूँ, ये मैं आपको नहीं बताऊँगा। रीज़न ये क्योंकि चलिए बता देता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, चेन्नई में हूँ मैं 5 स्टार होटल में, लेकिन मैं होटल का नाम नहीं बताऊँगा, इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि हमें फ्री प्रमोशन नहीं करना है। तो हाँ, हम बेसिक डिफरेंस में थे। जैसे कि अपना जो 3 स्टार होटल रहता है, बहुत अच्छा होटल रहता है गाइस, नो डाउट, मैं गंदा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ कुछ कुछ चीज़ कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू 5 स्टार। कम क्या चीज़ रहते हैं, जैसे कि अपना 5 स्टार में स्विमिंग पूल रहता है, जिम रहता है। अगर अब मेरे को मौका मिलेगा तो अभी मैं आप लोगों को स्विमिंग पूल भी घुमाऊंगा, जिम वगैरह भी घुमाऊंगा। तो ये हो गया अपना स्विमिंग पूल रहता है, जिम रहता है, जो बेबीज रहते हैं उनके लिए एक ठो लर्निंग स्कूल टाइप का रहता है, जहाँ खिलौने वगैरह छोटे छोटे सब चीज़ रहते हैं। तो गाइस 3 स्टार में हमें ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलता। अब तो 5 स्टार में बोले ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जैसे कि अब मैं आया हूँ, मुझे वर्कआउट करने का मन है थोड़ी देर बाद, तो मैं अपना जिम चल दूंगा, ये चीज़ मैं 3 स्टार में नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक हो गया बेसिक डिफरेंस, एकदम नॉर्मल। और भी बहुत चीज़ रहते हैं इसका, अगर मैं रूम में थोड़ा डीपली बता दूँ तो जो 5 स्टार होटल का रूम रहता है गाइस, वो मतलब इंच वाइज जो अगर देखा जाए सरफेस एरिया, वो 3 स्टार से बहुत बड़ा रहता है। प्लस हमें 5 स्टार में हर कुछ फैसिलिटी मिलता है, जो कि हमें 3 स्टार में बिल्कुल नहीं मिलता है। आजकल वैसे बहुत सारी 3 स्टार फैसिलिटीज़ देने लग गई है गाइस, जैसे कि बाथरूम में शावर का जो भी क्रीम वगैरह रहता है वो सब, लेकिन 5 स्टार इतना नहीं दे पाती गाइस। अब मैं आपको बोल के नहीं बता पा रहा हूँ, मैं आपको लगभग दिखा के बताता हूँ गाइस, तो एक सेकंड होल्ड करिएगा। सो गाइस, जो 5 स्टार और 3 स्टार होटल का मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन रहता है, सबसे पहला देखा जाए तो 5 स्टार में कार्ड सिस्टम चलता है गाइस, यहाँ पर चाबी वगैरह नहीं चलते हैं कि चाबी से अपन लॉक खोलिए। प्लस 5 स्टार में एक और सुविधा कह लीजिए या इससे डिसएडवांटेज कह लीजिए, जो लिफ्ट रहता है, जैसे कि हमें उसके पहले लिफ्ट में चढ़ने से पहले कार्ड को स्वाइप करना पड़ेगा। रीज़न जैसे कि हमें 10th फ्लोर जाना है, तो कोई भी 10th फ्लोर नहीं जा सकेगा, जिसका 10th फ्लोर में रूम है वो पहले अपना 10th फ्लोर का कार्ड स्वाइप करेगा लिफ्ट में, उसके बाद ही 10th दबाने से वो 10th फ्लोर में पहुँचाएगा, नहीं तो उसे नहीं पहुँचाएगा। तो जैसे कि फिलहाल मेरा 6th फ्लोर में है रूम, तो मैं 615 रूम नंबर में आ गया हूँ, और यहाँ भी प्लस कोई चाबी सिस्टम नहीं, पहले यहाँ पर अपने को अपना कार्ड स्वाइप करना, ये देखिए ये लॉक ऐसे में नहीं खुलेगा, ये लॉक है अभी, तो हमें पहले कार्ड को स्वाइप करना पड़ेगा। ये हमने कार्ड को स्कैन किया, सॉरी स्वाइप नहीं, तो ये लॉक खुल गया। उसके बाद अपना जो मेजर उसके बाद जो अपना अब जो डिफरेंस है, वो लगभग हर होटल्स में रहते हैं आजकल, 3 स्टार में भी आने लग गए हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी वाला रहता है मेन पावर सिस्टम, कार्ड डालने से अपना हो जाता है पावर सिस्टम ऑन। और यहाँ भी गाइस लाइट जल चुका है और बहुत अच्छे से अब वीडियो बन रहा है, मैं भी स्मार्ट दिख ही रहा हूँ। हाँ, तो अब मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ गाइस। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर अपन लोग को स्टार्टिंग में साथ कबर्ड दे देता है, जहाँ पर हम कपड़े लटका सकते हैं, वैसे तो मैंने नहीं लटकाए कोई कपड़े। उसके बाद हमारा आ जाता है आईना, जिसमें मैं दिख रहा हूँ गाइस। हाँ जी, मैं दिख सक रहा हूँ, बहुत अच्छे से दिख रहा हूँ, मुझे मेरी मूछे भी दिख रही, कैमरा हाँ फोकस ले लिया। तो सबसे एकदम बड़ा आईना रहता है, जिसमें आप पूरा देख सकते हैं, और आप इसमें स्पोर्ट्स फिजिक का पोज भी कर सकते हैं। ये हो गया अपना पोज, एब्स बाद में दिखाऊंगा जब अच्छे से बन जाएगा।
तो गाइस ये हो गया और देखिए यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। जो लेडीज रहते हैं उनको बैठ के तैयार होने का बहुत शौक रहता है, तो आप गाइस यहाँ पर बैठ के भी तैयार हो सकते हैं। जो लेडीज रहती है बैठ के तैयार होने का रहता है, मेकअप करके श्रृंगार वगैरह लगाने का रहता है, तो आप आराम से यहाँ पर लगा सकते हैं बैठ के, ये देखिए। अब गाइस उसके बाद आ जाता है हमारा बाथरूम। यहाँ भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, बाथरूम का मैं आपको फ्रंट कैमरा से ही दिखा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर बाथरूम का ये सिस्टम रहता है कि देखिए हमारा दरवाज़ा कितना अच्छा है, खोल के यहीं पर फोल्ड हो जाता है, मतलब कहने का मतलब जगह वेस्ट नहीं होता है। और ये हम आ गए सीधे बाथरूम के अंदर, तो ये हम फिर से दिख गए। उसके बाद मैं दिखने के बाद देखिए, अच्छा और एक चीज़ यहाँ पर रहता है अपना हेयर ड्रायर, जिससे मैंने अपना हेयर ड्राई कर चुका हो, बिगाड़ दिया मैंने, कोई बात नहीं। प्लस यहाँ पर सारे चीज़ रहते हैं, जैसे कि अपना जो हाथ धोना जो साबुन से नहाता है उसके लिए साबुन रहता है गाइस। जो यहाँ पर बॉडी, जैसे कि ये है अपना ये बॉडी लोशन है, तो अपन बॉडी लोशन भी लगा सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर शैम्पू वगैरह सब चीज़ है, शार जेल है, हर चीज़ रहता है। प्लस गाइस यहाँ पर दो ग्लास भी है, पता नहीं बाथरूम में कौन ड्रिंक करता है। और ये पर्सनली मेरा है, मैं आज से 5 साल से ये फोकस नहीं ले रहा है इस कैमरा, मुझे यूज़ करना नहीं आ रहा अच्छे से। तो ये जो गार्नियर एक्नोफाइट फेस वॉश है, मैं ये मेरा पर्सनली होटल में नहीं दिए थे। और ये है मेरा हेयर जेल। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर बाथरूम। बाथरूम में भी देखिए गाइस कितना अच्छे से रहता है, यहाँ पर शार भी रहता है, टेलीफोनिक शार भी रहता है, हर चीज़ रहता है। और ये वैसे दिखाने की चीज़ नहीं है, बट फिर भी मैंने दिखा दे रहा हूँ। ये है अपना वेस्टर्न। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, भले 5-स्टार होटल में गाइस वेस्टर्न रहता है और मजबूरी में मुझे यूज़ करना भी पड़ता है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे इंडियन ही जमता है। पता नहीं मैं इंडियन हूँ, वैसे इंडियन ही, पर पता नहीं मुझे क्यों इंडियन ही अच्छा लगता है। अब वेस्टर्न में भी ऐसा नहीं, अब यूज़ करना पड़ता है गाइस, अब क्या करें। तो हाँ, तो अब देख लेते हैं। ये आ जाता है अपना टीवी, पीछे बैक साइड में एलईडी टीवी है अपना। ये बेड आ जाता है, मैं अकेले रुकूं देखेगा इस, लेकिन फिर भी यहाँ पर दो लोगों का जगह दिया है। मैं हूँ अकेले, कहने का मतलब जब भी अपन चाहें तो डबल कर सकते हैं, और जब भी चाहे मतलब नहीं, इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती। प्लस यहाँ पर एक बेड और एक्स्ट्रा देता अगर कोई रहा। ये मेरा ट्राईपॉड आ गया, जिसमें मैं अभी शूट कर रहा था थोड़ी देर पहले। तो गाइस ये सब होता है 5-स्टार और 3-स्टार होटल में डिफरेंस। यहाँ पर हर चीज़ रहता है, लाइट रहता है। अच्छा यहाँ पर जैसे कि अपन लोग फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट में अपना लाइट रहता है, कुछ स्टडी लाइट जिसे कहते हैं, तो वो स्टडी लाइट भी यहाँ पर पूरा देता है। आप जब बुक मतलब जैसे कि बेड पर लेट के आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप लाइट से ऐसे करके फोकस करके पढ़ सकते हैं। ये मेरे कैमरे का चार्जर, टेलीफोन, ये तो अक्सर हर होटल में रहते ही है गाइस। प्लस हाँ, 5-स्टार होटल की एक बहुत अच्छी बात ये रहती है कि गाइस व्यू बहुत अच्छा देता है। मैं अभी आपको पर्दा हटाकर बताता हूँ कि व्यू कितना ज़्यादा अच्छा है। हम 6th फ्लोर में है गाइस, अगर कोई ऊपर और रुका होगा तो उससे तो और अच्छा व्यू मिल जाता होगा। मुझे फोकस करना नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है मेरे से फोकस। देखिए गाइस व्यू देखिए, ऑलमोस्ट जितना मैं कर पा रहा हूँ उतना कर सक रहा हूँ। आपको कैमरे में देख के उतना अच्छा नहीं लग रहा है गाइस। अब वाओ गाइस, आई लव इट। मुझे फिर से इंडिया का झंडा दिख गया, मैं दिखा रहा हूँ इंडिया का फ्लैग। देखिए गाइस अगर आप देख सकते हैं तो इंडिया का फ्लैग दिख गया। आई लव माई इंडिया, भारत माता की जय। तो देखिए गाइस 5-स्टार एज कम्पेयर टू 3-स्टार थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं, लेकिन हम इससे बहुत चीज़ों से सस्ता करा सकते हैं। जैसे पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कम रेट का पड़ा है। मैं रेट नहीं बताऊँगा कितना कम पड़ा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम का पड़ा है। रीज़न मैंने बहुत चीज़ करवाया था, जैसे कि मैंने ओयो से बुक कराया था। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं ओयो को मतलब फ्री प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। मैंने ओयो से बुक कराया था तो उसके कारण मुझे कुछ सस्ता पड़ गया। आप और भी ऐप से मेक माई ट्रिप या फिर जो भी गोवा है विवो भी देता है, वो सब कुछ कुछ डिस्काउंट देते हैं। प्लस आजकल पेटीएम जो है नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बना रखा है। अच्छा फिर मैं नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी पार्टी के साइड का हूँ। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं बस अभी जो थोड़ी देर पहले तिरंगा दिखाया था मैं उस पार्टी का हूँ। पर फिर भी कह रहा हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया को वो किया था, तो पेटीएम के थ्रू मुझे उससे बहुत सस्ता पड़ा है। तो मुझे ऐसा टोटल कर करके बहुत ज़्यादा ऑफ पड़ गया है। और गाइज मैं आपको ये बता दूँ कि मुझे 5-स्टार होटल का रेट ऑलमोस्ट 3-स्टार के बराबर पड़ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी ये सब स्कीम्स वगैरह आते हैं, तो ये स्कीम के थ्रू हम कम करा सकते हैं गाइज, इसलिए हमें डिजिटली अपडेट रहना चाहिए हमेशा। तो ये हो गया आज हमारे 5-स्टार होटल का व्लॉग। मैं आपको जितना बता सकता था बताया, जितना अंदर मेरे अंदर ज्ञान था। मैं ऐसे ही व्लॉग लेकर आते रहूँगा और आगे भी ऐसे वीडियो डालता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिएगा गाइस, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के वीडियो पे बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।